नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सरकार। वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों, इस बरसात में आप कौन सा प्लांट्स को जो कटिंग के द्वारा प्रोपागेशन कर सकते हैं, उसका जो पूरा डिटेल्स मैं आज 25 प्लांट का कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं जानकारी दूंगा। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा जो चैनल है गार्डन रूफटॉप उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये ऐसा एक प्लांट्स है जो कि एवरग्रीन है और लगभग सारे गार्डनर के पास ये बहुत सारे जो है सारे गार्डनर के पास ही लगभग होता है। तो दोस्तों चलिए, ये टगर का जो आप देख रहे हैं ये इसका जो है आप कटिंग्स के द्वारा आप प्रोपगेशन कर सकते हैं। इसका जो स्टेम है इसको जस्ट आपने आपको मतलब कहीं कट करके इसको जो कि आप इसको किसी भी सॉइल में आप डाल दीजिए, कैसे भी सॉइल में आप डाल दीजिए, इसका जो है फिर इसका प्रोपगेशन मतलब इसका रूट्स जो है निकल जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो है मैं दिखाऊँगा वो है इक्सोरा का। देखिए ये इक्सोरा जो है अभी ये प्रूनिंग के बाद देखिए ये जो ब्रांचेस निकला है, तो ये सारा जो है ये इक्सोरा का प्लांट बहुत ही एक अच्छा फ्लावरिंग प्लांट्स है। अभी कुछ दिनों में इसमें भी फ्लावरिंग आएगा, तो इसको भी आप कटिंग्स के द्वारा आप प्रोपगेशन कर सकते हैं। इसके स्टेम कटिंग करके इस आप किसी आप सॉइल में इसको ग्रो कर सकते हैं। तो दूसरा थर्ड जो है आप देख रहे हैं ये है रोजी ट्रम्पेट। थर्ड जो देख रहे हैं वो है रोजी ट्रम्पेट। आप इसको भी कटिंग्स के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। ये बरसात के कारण जो है इसका फूल का जो पेटल्स है वो गिर गया और अभी जो बर्ड्स है वो फिर दोबारा मतलब इसमें फ्लावरिंग करेगा, बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। इसका भी मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, तो ये फ्लावर जो है ये प्लांट्स भी आप कटिंग्स के द्वारा प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं ये मेरा जो पौधा था ये ज़मीन पे मतलब ग्राउंड में लगा हुआ है। तो दोस्तों ये है धतूरा का पौधा, इसको भी आप कटिंग्स के द्वारा आप प्रोपगेशन कर सकते हैं। ये देखिए ये जो प्रोपगेशन ये जो मतलब ये आप देख रहे हैं ये प्लांट ये भी मतलब जो है इसका स्टेम मतलब ये मैंने कटिंग्स के द्वारा जो है ये प्लांट्स को ग्रो कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये बीज वाला है, ये बीज मतलब डाल के जब मैंने बीज इसमें गिरने के बाद ही ये पौधा जो है निकाला है। लेकिन ये दो जो पौधा है ये जो पौधा है आप देख रहे हैं ये धतूरा का, ये भी कटिंग्स के द्वारा हमने ग्रो किया। दोस्तों ये जो मनी प्लांट आप देख रहे हैं ये भी कटिंग्स के द्वारा आप ग्रो कर सकते हैं। इसका जो है आप स्टेम मतलब क्या ना एक जो है आप छोटा सा स्टेम भी आप इसको पानी में डालेंगे तो भी ग्रो हो जाएगा और ये सॉइल में भी आप ये अच्छी तरह कटिंग्स ग्रो हो जाता है। तो मनी प्लांट भी आपको ग्रो हो जाएगा कटिंग्स के द्वारा प्रोपगेशन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्लांट जो है आप देख रहे हैं ये हिबिस्कस, इसको भी आप कटिंग्स के द्वारा प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो इस रेनी सीजन में आप जो है ये बहुत सारा जो कटिंग्स जिसका मैं दिखा रहा हूँ उसका भी कटिंग्स करके आप प्रोपगेशन कर सकते हैं। दोस्तों ये ओलियंडर का प्लांट है, आप देखिए ये पिछले साल मैंने कटिंग्स डाला था, ये भी मतलब कहना बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। ये ओलियंडर को भी आप कटिंग्स के द्वारा प्रोपगेशन कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो है ये बरगद की प्लांट जो आप देख रहे हैं ये सारे जो है मैंने कटिंग्स के द्वारा प्रोपगेशन किया, तो आप भी इसको कट करके किसी सॉइल में डाल दीजिए और ये भी अच्छी तरह ग्रो हो जाएगा आपकी कटिंग्स के द्वारा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है अब मैं आपको दिखाऊंगा वो है ये नील टगर, जो कि ये कटिंग्स के द्वारा मैंने इसको कहीं किसी के पास से एक स्टेम लाया था, ये स्टेम कटिंग से ही मतलब जो इसको मैंने ग्रो किया। तो दोस्तों नेक्स्ट जो देख रहे हैं आप ये पत्थर चट्टा, ये भी मतलब आपको कटिंग करके आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसको आप पत्ते से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा ये है कॉस्मोस,
जो कि कटिंग्स के द्वारा मैंने ये ग्रो कर रहा हूँ। ये भी मतलब जो बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, ये भी कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं आप। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है ये देखिए क्रोटोन, ये क्रोटोन को भी आप कटिंग्स के द्वारा प्रोपगेशन कर सकते हैं। ये जो है राइट टाइम है, आप इसको इसका स्टेम कट के आप ये मिट्टी में डालिए, सॉइल में डालिए, तो ये ग्रो हो जाता है। तो दोस्तों ये जामरुल का पौधा है, प्लांट है जामरुल, मतलब ये भी कटिंग्स के द्वारा मैंने प्रोपगेशन किया। लेकिन ये पौधा जो है, ये पौधा मैंने नर्सरी से लेके आया था, लेकिन इसके बाद मैंने इसकी स्टेम कटिंग करके मैंने एक प्रोपगेशन किया, पिछले दिनों में मैंने आपको दिखाया था। तो चलिए नेक्स्ट जो है लेमन का ट्री, वो भी मतलब कि ना स्टेम कटिंग से आपको प्रोपगेशन, आप इसका प्रोपगेशन कर सकते हैं। मैंने ये भी इस साल मैंने एक जो है स्टेम कटिंग करके प्रोपगेशन किया, तो उसका उसको मैं लास्ट टाइम दिखाया था। तो इसको भी, लेमन को भी आप स्टेम कटिंग करके आप इसका प्रोपगेशन कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो है ये लैंड लोटस, इसको भी स्टेम कटिंग करके आप इसका प्रोपगेशन कर सकते हैं। इसका जो है स्थल पद, ये बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग करता है। अभी देखिए मैंने इसका जो है प्रूनिंग कर दिया था, फिर दोबारा जो है ये ब्रांचेस निकल रहे हैं, और इसके बाद अभी जो है इसमें फ्लावरिंग करेगा। तो इसको भी आप स्टेम कटिंग के द्वारा प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट, दोस्तों ये है जिनिया का पौधा, ये भी मैंने कटिंग करके प्रोपगेशन किया। तो जिनिया का पौधा जो कि एक अच्छा फ्लावरिंग पौधा है, इसको भी आप कटिंग करके आप इसको ग्रो कर सकते हैं। जैसे ये देखिए मैंने करीबन एक हफ्ते के ऊपर हो गया इसको मैंने ये कटिंग्स जो मैंने डाला, तो ये अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं, और अभी ये बर्ड्स भी आना शुरू कर दिया। तो दोस्तों इस जिनिया को भी आप कटिंग्स के द्वारा प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने कटिंग्स डाल के रखा, ये है जिंटी फ्लावर, जिंटी फ्लावर प्लांट, इसको भी कटिंग्स के द्वारा आप ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए ये 3-4 दिन हो गया, ये बहुत ही अच्छी तरह मतलब ये लग गया होगा, तो ये धीरे धीरे जो है अभी इसका ग्रोथ शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों ये देखिए कोलियस, ये कोलियस का कटिंग्स मैंने कुछ डाला, ये डिफरेंट टाइप का कोलियस, जैसे ये वाला है दूसरा वेराइटीज का, ये भी एक है, तो इसको भी आप कटिंग्स के द्वारा ग्रो कर सकते हैं कोलियस को भी। दोस्तों चलिए नेक्स्ट, दोस्तों ये है नागचंपा का प्लांट, ये देखिए अभी फ्लावरिंग कर रहे हैं, और ये भी मतलब बहुत दिनों से फ्लावरिंग चल रहा है इसमें, तो ये पहला जो है पहली बार इसमें फ्लावरिंग किया, मतलब ये ज़्यादा दिन का प्लांट्स नहीं है, करीबन 7-8 महीने का प्लांट्स है, तो इसमें फ्लावरिंग चल रहा है। तो इसको भी कटिंग्स के द्वारा आप ग्रो कर सकते हैं। तो इसको स्टेम कटिंग करके आप यहाँ से कट करके अगर डालेंगे तो फिर ये मतलब इसको ये भी ग्रो हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो है मैं दिखाऊंगा ये कनेर, इसको भी आप कटिंग्स के द्वारा, ये फ्लावर प्लांट्स जो कनेर बहुत ही अच्छा है फ्लावरिंग प्लांट्स, तो ये भी आप कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो है अब ये देखिए बेला, जो कि जस्मिन, ये भी आप कटिंग्स के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। इसमें जो है फ्लावरिंग चल रहा है अभी, वो बर्ड्स भी है, आप देख रहे हैं ये बर्ड्स जो आप देख रहे हैं, तो ये भी मतलब कहना कटिंग्स के द्वारा आप ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो है ये देखिए दर्शना का 3 वेराइटीज़ है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, तो इसको भी आप स्टेम कटिंग करके, इसको भी कट करके आप अगर आप दूसरे पॉट में डालेंगे तो फिर ये भी अच्छी तरह ग्रो हो जाता है, स्टेम कटिंग करके आप इसको प्रोपगेशन कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा जो इंडोर प्लांट्स है, जो जिसका नाम जो है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो ये अच्छी तरह मतलब जो ना आप इसको भी, तो ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसको भी आप कट करके आप इसको दूसरे पॉट में डालेंगे तो ये स्टेम कटिंग के द्वारा ये प्रोपगेशन हो जाता है। तो इसको अगर आप यहाँ से कट करके कुछ किसी दूसरे पॉट में डालेंगे तो ये भी ग्रो हो जाएगा, साथ में यहाँ से भी मतलब दूसरा स्टेम निकाल के ये भी जो है ये भी ग्रो करना शुरू कर देगा, मतलब दूसरा ये इसमें ब्रांचेस ना न्यू ब्रांचेस इसमें आ जाएगा। तो इसको भी आप स्टेम कटिंग करके, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया को भी स्टेम कटिंग करके आप प्रोपगेशन कर सकते हैं। दोस्तों चलिए नेक्स्ट, दोस्तों ये है बेगनविलिया,
इसको भी आप स्टेम कटिंग करके आप प्रोपगेशन कर सकते हैं। ये भी बहुत ही एक अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है समर का, तो ये भी मतलब आप स्टेम कटिंग करके बरसात में आप इसको भी ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो है मैं दिखाऊंगा ये जो आप देख रहे हैं ये अपराजिता का प्लांट्स है, अपराजिता फ्लावरिंग प्लांट्स, इसको भी आप स्टेम कटिंग करके आप इसको भी प्रोपगेशन कर सकते हैं। कहीं ऐसे आप जो देख रहे हैं ये जो स्टेम है, कहीं एक मोटा सा स्टेम जो है इसको काट के इसको थोड़ा सा 8-10 इंच जो है आप छोटा सा एक टुकड़ा लेके उसको आप सॉइल में डालिए, तो इसको भी आप ये भी मतलब सॉइल में ग्रो हो जाता है, इसको भी आप स्टेम कटिंग करके प्रोपगेशन कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो प्लांट है ये देखिए, ये फाइकस है, ये रेड फाइकस, तो इसको भी आप स्टेम कटिंग करके प्रोपगेशन कर सकते हैं। ये बहुत ही एक इंडोर अच्छा इंडोर प्लांट है, आउटडोर भी मतलब हल्का शेडी एरिया में भी ये ग्रो हो जाता है, तो ये भी बहुत एक अच्छा प्लांट जो कि स्टेम कटिंग द्वारा आप इसको प्रोपगेशन कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो है आप देख रहे हैं ये स्नेक प्लांट जो है ये बहुत ही एक अच्छा मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइडर है, ये भी मतलब कहना आप स्टेम कटिंग करके इसको भी प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये देखिए, ये मैंने कटिंग्स डाला था और इतने सारे मतलब ये जो है कटिंग्स मैंने डाला था, तो इतना सारा जो है इसमें से देखिए ये बेबी स्नेक प्लांट सारे जो है दिखाई दे रहा है, तो ये स्टेम कटिंग करके भी ये स्नेक प्लांट को आप प्रोपगेशन कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो है आप देख रहे हैं ये जो क्रोशंदा का फ्लावर प्लांट है, इसको भी आप स्टेम कटिंग करके आप इसको प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारे जितने मैंने कम से कम जो है 25 प्लांट्स को जो है कटिंग्स के द्वारा आप प्रोपगेशन कर सकते हैं, उसको नाम मैंने बताया और दिखाया भी, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा जो चैनल है गार्डन रूपटॉप उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत उसको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नया जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।